तो यहाँ पर हमारे पास जो फोटोशॉप में ऑप्शन है हमारे पास, उनका भी हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्म रोटेशंस के ऑप्शंस को। देखिए अगर रोटेशंस के ऑप्शंस को हम देखें तो वो अभी हमें ट्रांसफॉर्मेशन में ही मिलता है। इसमें दो तरह के ऑप्शन है, एक एडिट में जाके रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है और एक इमेज में जाके मिलता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हमने फाइल में ओपन किया और कोई भी इमेज जैसे हमने यहाँ से लिया एग्जाम्पल, जैसे इसी इमेज को ले लेते हैं या इसकी हमें एक ओपन कर लिया हमने और ये हमारा लेआउट ओपन है, इसको यहाँ से अनलॉक कर लिया डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करके। अब इसका एक और यहाँ पे डुप्लीकेट चाहिए, तो इतने ही हिस्से पे अगर हमें चाहिए तो इसको किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा कैनवास है, कैनवास में एक पिक्चर मौजूद है, हमें इस तरह की दो पिक्चर्स चाहिए, तो कैनवास के साइज़ को हमें एक्सटेंड करना होगा। तो यहाँ से इमेज में गए और यहाँ से क्लिक करेंगे ऑल्टर कंट्रोल सी कैनवास साइज़ के ऊपर। जैसे ही कैनवास साइज़ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये कैनवास साइज़ ओपन हो जाएगा और कैनवास साइज़ में इसका साइज़ इंचज़ में यहाँ नज़र आ रहा है। अब अगर हमें इसी जैसी पिक्चर एक और यहाँ पर ऐड करनी है तो हमें इसके साइज़ को डबल करना होगा, तो हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय टू करने के लिए हमें पहले कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ से जाके इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके इस कैलकुलेटर में वैल्यू को पेस्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई बाय टू करके इक्वल कर देते हैं। दोबारा देखते हैं, पेस्ट मल्टीप्लाई बाय टू और इक्वल वैल्यू यहाँ आ गई। इसको वैल्यू को यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ विड्थ वाले सेक्शन में ला के पेस्ट कर देते हैं। अब नीचे जैसे अगर ओके कर देंगे डायरेक्टली तो ये दोनों साइड पे स्पेस निकल आएगा। अगर हमें स्पेस किसी एक डायरेक्शन में चाहिए, मतलब लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पर या बॉटम पर, तो कैनवास साइज में तरीका ये है कि जो आपने स्पेस बढ़ाया या कम किया उसको किस साइड पे ऐड करना है। मिसाल के तौर पे इसको इस साइड पे ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब ये स्पेस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे क्लिक करके ओके करेंगे तो जितना एक्सटेंडेड स्पेस था वो यहाँ पर ऐड हो गया। सिमिलरली अगर हम राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पर ऐड हो जाता। क्लिक करेंगे, कंट्रोल जे दबाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, क्लिक करेंगे और इस इमेज को पकड़ेंगे और इसको लाके इसके बराबर में इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। अब जब ये एडजस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट में जाके और यहाँ से हम जाके क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये कुछ इमेज इस तरह से पलट जाएगा और ये देखें इसका एक मिरर क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से आप जितने मिरर्स चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं और मिरर क्रिएट करने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ऐसा भी पॉसिबल है, और यहाँ पे कोई और भी सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। सिमिलरली ये हमने मिरर बनाया इसका ऊपर नीचे का, फोर साइड मिरर बनाना तो कैसे बनाएंगे, कोई इस तरह का इमेज जो फोर साइड इमेज के लिए परफेक्ट रहेगा वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ से हम कोई सीनरी टाइप का मंजर ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला ले लेते हैं और इसको क्लिक करके ओके कर लेते हैं। अब इसका मिरर ऊपर नीचे से बनाना है तो इसको डबल क्लिक करके अनलॉक कर लिया। इमेज में जाके कैनवास साइज को अब हम टॉप पे क्लिक करके इसकी हाइट से डबल कर देंगे। कंट्रोल सी किया, कैलकुलेटर खोला, स्केप दबाया, कैंसिल किया, कंट्रोल वी करके पेस्ट किया, मल्टीप्लाई बाय टू किया, इक्वल किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, साइज को हाइट पे गए, पेस्ट किया, टॉप पे क्लिक करा, ओके किया, ये यहाँ पर ऐड हो गया। सिमिलरली अब इसको ही कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करेंगे एंड देन क्लिक करके इसको नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी हम इसका यहाँ पर एडिट में जाके क्लिक करेंगे यहाँ से और कहेंगे फ्लिप वर्टिकल। तो यहाँ से जैसे फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो ये इसके दरमियान का डिफरेंस जो है ख़त्म हो जाएगा और फिर ये इमेज जो है कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, देख रहे हैं। तो इस तरह का मामला भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, तो चार साइड पर भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे अलग अलग कर सकते हैं, फोर साइड पर भी कर सकते हैं, तो चारों तरफ से ये चीज़ इस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, इसको हम कहते हैं मिरर करना। अब इसी तरीके से दूसरा जो इसमें कमांड है